हेलो गाइस, आई एम बैक टुडे विथ अनदर न्यू वीडियो। और ये वीडियो भी एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। और आज मैं जिस चीज़ के ऊपर रिव्यू करूँगी वो है ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, जिसका क्वांटिटी है 10 ml। सो लेट्स स्टार्ट। सीरम के बारे में बताने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सीरम एक्चुअली है क्या। सीरम एक ऐसा चीज़ है जो जिसको हम मॉइस्चराइज़र नहीं कह सकते हैं। ये कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से तैयार होता है जो हमारे स्किन के थर्ड लेयर पे जाके काम करता है, राइट। हम जब कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो सिर्फ हमारे स्किन के जो फर्स्ट लेयर है, जो ऊपर का लेयर है, उसके ऊपर ही काम करता है। लेकिन सीरम जो है वो काइंड ऑफ ऑयल कंसिस्टेंसी पे आता है, तो हम जब वो मसाज करते हैं पहले तो वो बहुत चिपचिपा होता है, लेकिन वो हमारे स्किन के अंदर घुस जाता है और जाके थर्ड लेयर पे काम करता है। इसलिए हमारे स्किन में जो दाग धब्बा जो भी हो, या फिर स्किन को अंदर से वीडी सॉर्ट ऑफ ग्लो जो देना ज़रूरी है, वो सिर्फ हमको सीरम ही दे सकता है। तो इसीलिए आज मैं आप सबको गुड वाइब्स का सीरम का बेनिफिट्स और कैसे ये यूज़ किया जा सकता है ये बताऊंगी। गुड वाइब्स का ये जो रोज़ हिप सीरम है, इसे मैंने बाय किया था पर्पल से। बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने ये पर्पल से बाय किया। इसका पर्पल पे रेटिंग्स है 4.2, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस प्रोडक्ट का दो साइज़ आता है। मैंने जो लिया है वो है 10 ml का, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 215 rupees, पर पर्पल पे ये आपको हमेशा ऑफर पे मिल जाएगा। इसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 151 rupees। इसका और एक वेरिएंट भी आता है जिस जो है 30 ml का, उसका प्राइस है 280 rupees। ओरिजिनल प्राइस है 399, लेकिन वो आपको मिल जाएगा 280 rupees में करेंटली। तो इसका पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था, कुछ इस साइज़ में, और ये जो आप देख रहे हो ड्रॉपर काइंड ऑफ सिस्टम, पहले ये ऐसा नहीं था। पहले इसके ऊपर एक छोटा सा कैप था जो कि मैंने आप सबके साथ मेरे पर्पल हॉल पर शेयर किया था। अभी ये एक ड्रॉपर काइंड ऑफ थिंग पे आया है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने में। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये ग्लास पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल है, तो आप जब इसको यूज़ करो तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ग्लास कलर है डीप ब्लू। सीरम को डीप ब्लू या फिर ऐसा कुछ कलर के ग्लास पैकेजिंग पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि बाहर का जो सनलाइट है उस पर सीरम कोई रिएक्ट ना करे। इसलिए पैकेजिंग इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं इसे यूज़र फ्रेंडली नहीं कहूँगी क्योंकि ये ग्लास बॉटल है। तो आप अगर ये आपके कहीं पे आप जा रहे हो और इसे अपने अपने वैनिटी पे डाल दिया तो आपको केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसका शेल्फ लाइफ है 2 साल। ये मैन्युफैक्चर्ड है April 2019 पे और ये अच्छा रहेगा। इट्स गुड टू यूज़ बिफोर March 2021। तो 2 साल तक आप इसको यूज़ कर पाओगे, जो कि इस 10 ml प्रोडक्ट के लिए काफ़ी हद तक सही है। अगर 30 ml प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सेल्फ लाइफ सिर्फ 2 ईयर्स ही है। 2 साल में 30 ml ख़त्म करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है अगर आप उतना ज़्यादा रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हो तो। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें है सिसमी ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यून या फिर ऐसा ही कुछ, जोजोबा ऑयल एंड रोज़हिप ऑयल। ये है इसका की इंग्रेडिएंट, और नाम से आपको पता चलता है रोज़हिप जो मतलब गुलाब की पंखुड़ी जहाँ पर लगी रहती है, चिपकी रहती है, उससे जो निकला हुआ एसेंशियल ऑयल है वो है इसमें। फ्रेगनेंस की बात करते हैं, इसको जब आप निकालोगे बाहर आपको एक माइल्ड सी रोज़ की स्मेल आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, माइल्ड स्मेल है। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम ना हो तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये है इसका टेक्सचर, आप देख सकते हो रनिंग एक टेक्सचर है, ऑयल सॉर्ट ऑफ थिंग। ये नेचुरल जो सीरम है ना वैसा इसका टेक्सचर नहीं है, थोड़ा सा रनिंग है। आप जब इसको फेस पे यूज़ करते हो तो बहुत स्मूथ आपको फील होता है, और अगले दिन या फिर 2 ही दिन बाद आपके फेस पे आपको एक क्लियरनेस दिखने को मिलेगा, जो कि ये सीरम के वजह से है। मैंने इस सीरम को मैंने यूज़ कर रखा है 20 दिन से, और ये अच्छा काम कर रहा है मेरे फेस पे। मेरे स्किन जो है वो सेंसिटिव है, उसमें ये काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा है। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। अच्छा, आप देख सकते हो मसाज करने के बाद ये चीज़ स्किन पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, कोई भी ऑयली कास्ट कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत एक स्मूथ टेक्सचर ये स्किन पे देता है। अगर समर है और आप कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन से हो
तो ये यूज़ करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीमली ड्राई स्किन से हो तो इसके ऊपर आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो समर के टाइम पे। मॉनसून और विंटर के टाइम पे डेफिनेटली आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा। समर के टाइम पे आप इसे क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की जगह आप सिरम यूज़ करके अपना फेस छोड़ सकते हो। लेकिन समर के बाद मॉनसून टिल विंटर तक यू हैव टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका और भी एक बेनिफिट्स हम बता देते हैं। हम जब मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप के पहले हमको तो स्किन केयर रूटीन फॉलो करना ही है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। वहाँ पे अगर आप प्राइमर के पहले ये रोज एसेंशियल ऑयल यूज़ कर लो तो आपके जो आप मेकअप करोगे उसका रेसिड्यू आपके डायरेक्ट स्किन पे हिट नहीं करेगा। ये एक अच्छी बात है इस रोज़हिप एसेंशियल ऑयल के बारे में। या फिर आप इसको सनस्क्रीन के नीचे भी यूज़ कर सकते हो एज अ लाइट मॉइस्चराइज़र। सीरम कंसिस्टेंसी भी है, आपके ऑयल फेस पे कोई ऑयलीनेस नहीं छोड़ता है, ये एक इसका अच्छी बात है। और अब जान लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। इसका बेनिफिट्स जो ये पैकेट पे ही लिखा हुआ है, अ वन ऑफ काइंड फेस सीरम दैट मेंटेन स्किन्स इलास्टिसिटी एंड स्मूथनेस इन्फ्यूज्ड विद रोज़हिप एक्सट्रैक्ट्स टू ब्राइटन अनइवन स्किन टोन फॉर अ ग्लोइंग कम्प्लेक्शन। दैट्स इट, जो कि सही है। आपके स्किन पे अगर कोई अनइवननेस हो या फिर कुछ दाग धब्बा हो जिसको ये काफ़ी हद तक लाइटन अप करता है। और डेफिनेटली अगर आपके स्किन पे कोई दाग धब्बा हो जो कि रिड्यूस हो रहा है दिन ब दिन, तो आपकी फेस पे वो विडिन सॉर्ट ऑफ ग्लो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सही है। इसको छोड़कर भी इसमें है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि हमारे फेस पे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम रहता है, ये जो फेस सीरम है इसको काफ़ी हद तक वो श्रिंक कर सकता है। ओके, जब हमारे ओपन पोर्स का इशू ख़त्म हो जाएगा क्या होता है, स्किन पे इलास्टिसिटी बढ़ता जाता है। इसलिए एंटी एजिंग, हम एज होने के साथ साथ हमारा फेस का इलास्टिसिटी जाता रहता है, इसको ये काफ़ी हद तक घटा सकता है। बंद नहीं कर सकता ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रख सकता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बार बार उस साइट पे क्यों देख रही हूँ, वहाँ पे मेरा एक नोटबुक रखा हुआ है जिस पे मैंने इसका जो सारा बेनिफिट्स है वो पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखी हूँ, ताकि मैं कुछ स्किप ना कर दूँ। और अब आता है इसमें मौजूद विटामिन्स के बारे में। शायद आप सबको पता हो हमारे फेस का जो ग्लो या फिर फेस हमारा अच्छा दिखेगा तीन मेन विटामिन्स की वजह से। वन है विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी। यहाँ पे इसका डायरेक्शन है हाउ टू यूज़। आफ्टर क्लिनजिंग अप्लाई टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ द फेस सीरम ऑल ओवर द फेस जेंट योर फिंगर टिप्स अंटिल इट्स फुली अब्जॉर्ब। ओके, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। मैं पहले फेस को क्लीन कर लेती हूँ मेकअप रिमूव करने के बाद, उसके बाद आई यूज़ टोनर, देन आई यूज़ दिस फेस सीरम। क्या होता है कि क्लिनजिंग के बाद भी हमारे फेस पे बहुत सारा मेकअप का रेसिड्यू रह जाता है, जो कि टोनर लगाने के बाद, टोनर काफ़ी हद तक एक डबल क्लिनजिंग का काम करता है। उसके बाद मैं ये फेस सीरम अप्लाई करता हूँ, जो मेरे फेस के थर्ड लेयर पर डायरेक्टली जाके पेनिट्रेट होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो वहाँ से काम करता है और मैं अगले ही दिन इसका इफ़ेक्ट देख सकती हूँ मेरे स्किन पे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज़ मैं डायरेक्टली अपने फेस पे यूज़ कर सकती हूँ या फिर मुझे इसको किसी के साथ मिलाना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये सीरम है, दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल ऑयल। आपको पता होगा एसेंशियल ऑयल हम डायरेक्टली हमारे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको किसी के साथ मिक्स करना पड़ता है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। आई हैव यूज्ड द बायोटिक डैंडेलियन सीरम एंड करंटली आई एम यूजिंग दिस। मैं बोलूँगी उस चीज़ से ये मेरे स्किन पे ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है। तो अगर आप मुझसे जानना चाहोगे कि आई एम रिकमेंडिंग दिस और नॉट, डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक पॉकेट फ्रेंडली एक ऑप्शन है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। क्योंकि सीरम काफ़ी कॉस्टली आता है, उस प्राइस पॉइंट से, उस पॉइंट से ये काफ़ी अफोर्डेबल बट गुड ऑप्शन है। इसमें बहुत सारा गुडनेस है, आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो यही था इसका आज का रिव्यू। आई होप आप सबको ये पसंद आए। अगर पसंद आया हो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थैंक यू इतना टाइम से मेरा फंबलिंग आप सब लोग सुने, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच गुड इन हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।